वही धमतरी जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक घर के सामने खेल रहे 3 साल के मासूम बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया। वह इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार ग्राम कोरमुण में 3 साल का रितेश कुमार अपने घर के पास खेल रहा था, तभी जंगल की ओर से अचानक एक तेंदुआ आया और उसे उठा कर ले गया। सूचना मिलने पर बरगुड़ी वन परिक्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी और सिहावा पुलिस मौके पर पहुंचे। करीब 36 घंटे चले कड़ी सर्चिंग अभियान के बाद बच्चों के शव अवशेष गांव से कुछ दूर पहाड़ी में मिला। पुलिस ने शव के अवशेष को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहरहाल वन विभाग का कहना है कि बच्चे के परिवार को शासन से मिलने वाले मुआवजा राशि प्रदान किया जाएगा। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। ये घटना ग्राम कोरमुण में जैतपुरी ग्राम पंचायत अंतर्गत आता है, जो कि जिला धमतरी में आता है, और गांव से लगे हुए राजस्व पहाड़ी जो है वहां पे यह घटना घटित हुआ है, जिसकी सूचना हमको कल दिनांक 5 तारीख को मिला था। जिसके पश्चात हम लोगों ने दिन भर वहां पे परिक्षेत्र सरोना के स्टाफ रहे, ग्रामीण रहे और परिक्षेत्र बिरगुड़ी के स्टाफ, सभी ने मिलकर वहां पे सर्च किया, बट सफलता हासिल हुई। और आज हम पुनः सुबह से 8 बजे से वहां पे सर्च कर रहे थे, और ये हमारा सौभाग्य रहा कि बहुत जल्दी ही हमें उसका अवशेष मिल गया। और उसके पश्चात हमने पुलिस थाने में सूचना दिया, प्लस PM रिपोर्ट के लिए मेडिकल स्टाफ को भी सूचित किया, और इसको प्रश्न तैयारी कर रहे हैं। मौके पे हमारे उपमंडलाधिकारी बिरगुड़ी उपचार को और माता को तात्कालिक सहायता राशि के रूप में 25,000 रुपये प्रदान किया गया है, और साथ ही साथ जनहानि प्रकरण में 6 लाख रुपये राशि का प्रदान किए जाने का प्रावधान है, जिसको कि प्रकरण तैयार करने के पश्चात में जल्द ही दिया जाएगा।